जी अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ियाद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज हम बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अगर लोकेशन की बात करें, जैसे हम अड्डा प्लॉट के ऊपर आते हैं रायविंड रोड के ऊपर, तो जस्ट 5 मिनट के अंदर हम बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर एंटर हो जाते हैं। आज हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का, वो जस्ट है स्ट्रीट व्यू नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्टेटस है कि बैरिया के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी बन चुके हैं और कौन कौन से अभी बन रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टाइम मौजूद हैं बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, बिल्कुल एंट्रेंस के पास खड़े हुए हैं। तो हमारी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये टाइम स्क्वायर जो कि बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है, ये शेरावाला हाइट्स का प्रोजेक्ट है और ये अभी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अभी इनकी बुकिंग स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी भी बुकिंग कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें, ऑफिसेज हैं, प्लाजा कमर्शियल एरिया है और इसके अलावा जो कि अपार्टमेंट्स हैं और शॉप्स वगैरह भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है। जी नाज़रीन, जैसे हमने बताया था शेरावाला हाइट्स जो कि टाइम स्क्वायर बन रहा है, इसी तरह उसी के अपोजिट जो कि वो बैरियर ऑर्चर्ड मॉल बन रहा है और ये क्यूलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हैं। ये बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं बैरियर को, ऑलरेडी इनके कुछ प्रोजेक्ट बन चुके हैं और ये नया कारोबार जो कि शुरू करने के लिए बहुत सुनहरी मौका है कि आप अभी इस ऑर्चर्ड मॉल के अंदर अपनी बुकिंग करवाएँ शॉप्स की, और या फिर शॉप्स की बुकिंग करा लें और फौरी तौर पर इसका मंथली जो इनकम है रेंट की वो आप ले सकते हैं इनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका भी काम कर रहे हैं, इसका भी ऑथराइज डीलर हम, और इसके हवाले से भी किसी किस्म के बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर ऑर्चर्ड मॉल है या फिर इस एग्जैक्टिव विलास के बारे में क्यों लीज के कितने भी प्रोजेक्ट हैं, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कि ब्रांड जो कि आना शुरू हो गए हैं, इसकी डेवलपमेंट जो है वो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आप पीछे बिल्कुल स्टेज जो आप मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बन चुका है और यहाँ पे आस्ता आस्ता इसका काम वो जो कि यहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट्स लेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। जी नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं G1 ब्लॉक के अंदर बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 में। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका जो पहला नाम था वो रोज़ गार्डन था। जी नाज़रीन, आज जो कि हमारा मकसद है वीडियो बनाने का वो जस्ट फॉर अपडेट है कि और डेवलपमेंट है कि बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर किस तरह की अब डेवलपमेंट हो चुकी है। आम इस टाइम मौजूद हैं कूल डे पार्क के बिल्कुल पास, जिसका पहला नाम था रोज़ गार्डन, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल स्टार्ट हुई हुई है कुछ अरसे के अंदर। आप बिल्कुल दिखा सकते हो मेरा कैमरा मैन आपको कि कुछ अरसे के अंदर ये इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है ये बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखें तो एक नाक जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है बिल्कुल। तो जो हमारा मकसद है वीडियो बनाने का, कैसी डेवलपमेंट हो रही है बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर और कितने अरसे तक ये मुकम्मल हो जाएगी, तो इस टाइम हम मौजूद हैं कूल डे पार्क के पास। जी नाज़रीन, पहले हम मौजूद थे कूल डे पार्क, और कूल डे पार्क के बिल्कुल ही साथ जो कि एक खूबसूरत जामिया मस्जिद जो कि ज़ेरे तमीर है, और इसकी जो फिनिशिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बन रही है फेज़ 4 के अंदर, जो कि यहाँ के रहायशी होंगे फेज़ 4 के, या जो G1 के हों या फिर G3 के या G2 के G4 के हों, वो ईज़िली यहाँ पर आके 5 वक्त की नमाज़ की अदायगी कर सकते हैं और प्रॉपरली अपने बच्चों को भी साथ लेके आएँ और यहाँ पर नमाज की प्रॉपर के साथ आप अदायगी कर सकते हैं। तो इसकी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आपके सामने है कि इसकी फिनिशिंग मुकम्मल हो चुकी है। जी नाज़रीन, हम उस टाइम मौजूद थे जामिया मस्जिद जो कि बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर मौजूद थे, हम बन रही है। हम दोबारा फिर आपको लोगों को दिखाते हैं, खूबसूरत एक व्यू आ रहा है। और इस टाइम हम मौजूद हैं बिल्कुल टोपैरी गार्डन के पास जो कि इंस्टॉल है, आप वहाँ यहाँ पर आकर अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत बड़ा पार्क बना हुआ है, आपको इंशाल्लाह इसके अंदर से भी सैर कराएं। आज अंदर से सैर करते हैं हम इसकी, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जो कि इसको मेंटेन किया गया है और इसकी रेगुलर बेस पे इसकी जो कि सफाई है और उसका पानी का जो कि काम है, इसके अंदर माली अभी भी काम कर रहे थे जब हमसे पूछा है कि ये रेगुलर बेस पे इसके अंदर काम करते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, और आगे जाते हैं तो मैं अपने कैमरे में से दरख्वास्त करूँगा कि आगे भी जो कि वो खूबसूरत एक व्यू है, आप वहाँ पे बैठकर आप लंच भी कर सकते हैं जब आप किसी अंदरूनी शहर से आ रहे हैं या फिर लाहौर से आ रहे हैं। तो
आप इसको इधर आके इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक जो है आज के अलावा हम इसके बाद दिखाना है वो है स्कूल। तो आइए चलते हैं हम स्कूल की तरफ, उसकी कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है और कहाँ तक वो बन चुके हैं। तो आइए नाज़रीन हम स्कूल की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमने आपको चीज़ें दिखाई, टाइम स्क्वायर, ऑटर मॉल और इसके अलावा जो कि कूल डे पार्लर, टुपैरी गार्डन, इसी तरह हम मौजूद हैं इस टाइम बैरक के अपना जो कि स्कूल है BTL के नाम से। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग, वो खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है और ये इसका भी आई होप के जल्द ही इसका भी जो कि इफ्तिताह होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी रेगुलर बेस पे काम जारी है, क्योंकि बैरक के जो मुलाजमीन है वो काम तेज़ी से कर रहे हैं। तो इसके जो कि जैसे कि मेन बैटों लाहौर के अंदर इनका अपना स्कूल बना हुआ है, इसी तरह ये भी इनका अपना स्कूल है। तो जी नाज़रीन, आज जो हमारा मकसद था वीडियो बनाने का कि फेज़ फोर के अंदर जो कि डेवलपमेंट स्टेटस किस तरह का है और कहां तक पहुंच गया है, क्योंकि आपने जो पहली वीडियो हमारी देखी होगी वो स्ट्रीट व्यू देखा होगा कि G4 का है, G5 का स्ट्रीट व्यू। तो इस टाइम हम मौजूद हैं G3 ब्लॉक के अंदर। G3 ब्लॉक के अंदर जो कि प्लॉट्स की कटिंग है वो 10 मरला है और G4, G5 और G6 तक आपको 10 मरला प्लॉट की कटिंग मिलनी है। और बैरिया ऑर्चर्ड फेस फोर के अंदर इसकी लोकेशन बहुत हॉट लोकेशन है और बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं कि ऑन ग्राउंड प्लॉट जो हैं वो इधर मौजूद हैं, कमर्शियल एरिया भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपने मेन के ऊपर भी देखा कि कमर्शियल एरिया जो है वो खूब बनना है, टाइम स्क्वायर है, ऑर्चर्ड मॉल है, उसकी भी हम बुकिंग कर रहे हैं। तो G6 तक बहुत खूबसूरत एरिया इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, जो कि ग्रीन बेल्ट हो या पार्क हो, टुपैरी गार्डन आपने देखा वो बहुत खूबसूरत टुपैरी गार्डन बना हुआ है। तो किसी भी किस्म के हवाले से बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ वन से लेकर फेज़ 4 तक आपको किसी भी किस्म की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, अभी क्यूलिंग से कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो प्लॉट्स के हवाले से, कमर्शियल के हवाले से, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर एनी टाइम किसी भी टाइम कॉल करें, मुझे व्हाट्सअप करें, ईमो कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको 24 और उसकी जो कि आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे दूंगा और जो कि मशवरा जो कि इमानत होता है। तो इंशाल्लाह किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो सिलसिला बना हुआ है हमारा जो कि वीडियो बनाने का जो टॉपिक होते हैं और लोगों तक पहुँचते हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।